इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ढेर सारे बंदे ना अब यहाँ पे एनसेटा का जो भी क्लोन था उसके साथ फाइट करने को तैयार था। एनसेटा का क्लोन यहाँ पर जिसको टॉइस्ट बॉडी भी कहा जाता है या क्लोन बॉडी हम कहेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ तो क्लोन बॉडी से आवाज आती है मी हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर और अपनी पावर रिलीज करता है जो देखे जुओ और साथ ही में ये फाइव भी कहता है अच्छा भाई तो ये पावर होती है ग्रेट एम्परर की। सामने से बाकी पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड या सोचो ये ग्रेट एम्परर रियल यहाँ पे नहीं है ये बस उनका क्लोन बॉडी है। सोचो इसके अंदर से इतनी पावर महसूस हो रही है जो रियल में ग्रेट एम्परर यहाँ पे आ जाते तो भाई कितना ज्यादा पावर यहाँ पर होता। अपना मेकअप टेकअप टेंशन मतलब मैं भी एक दिन है ना ग्रेट एम्परर यहाँ पे बनूंगा। उसके बाद वो ग्रेट एम्परर का जो क्लोन बॉडी है ना क्लोन बॉडी देखता है जुओ को और ईफाई को और कहता है भाई तुम दोनों मेरे डिसेंडेड हो क्या क्योंकि तुम्हारे अंदर एसिड होली बॉडी मुझे महसूस यहाँ पे हो रहा है। चलो बढ़िया है ये भी मेरी रियल बॉडी नहीं है ये तो बस मेरा क्लोन बॉडी यहाँ पर है मैं बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं फाइट यहाँ पे करूंगा। तुम्हारे पास दो ही मौका बचा है या तो मुझे मिलकर हराओ और फायदा लेके जाओ नहीं तो मेरे हाथों से यहाँ पे मरो। सामने से जो ईफाई है ना वो अपने जुओ से कहता भाई मैंने तुझे इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि भाई क्या करूँ यार नहीं बताया तू नाराज तो नहीं ना है। जुओ कहता नाराज अरे भाई मैं तो खुश हूँ ग्रेट टेम्परर के क्लोन बॉडी के साथ फाइट करने का मौका मिल गया और क्या ही चाहिए लेट्स गो। वो दोनों ने अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो सामने जो ग्रेट एम्परर का क्लोन बॉडी है ना वो भी ऐसा पावर ज़ोरदार रिलीज करता है जो पावर देखते ना हमारा मेकअप टैग भी कहता है यार मानना पड़ेगा ग्रेट एम्परर क्लोन बॉडी में जो पावर यहाँ पर है ना सची में बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर है। सामने से जो क्लोन बॉडी है ना वो भी कहता है बढ़िया तुम दोनों हो लेकिन मुझे हराने की इतनी औकात तुम्हारे पास नहीं है। इतना बोल के खाद का अटैक निकाल कर ना उन दोनों पर कर दिया जाता है जो एनसेटर है। बाकी बंदो उसके कहते सुनो मेरी बात जो जो जाकर फाइट करने वाले थे ये यून ये फेंग और ये या हाँ जल्दी से तुम लोग रेडी हो जाओ अटैक करने के लिए आगे जाओ और बाकी सन आउटियन डुगू फैमिली के मेंबर तुम सब रुको जैसे मैं ऑर्डर यहाँ पे दूंगा वैसे निकल जाना तो जिसका नाम लिया गया तो आगे निकल जाता है। हमारा मैं कट्टा देखता है जो सेटर यहाँ पर ना बड़े स्मार्ट यहाँ पर है किस बंदे को कब यहाँ पे भेजना चाहिए वो सबको मालूम है। रही बात ये है ये यून ये फंग जो कि इनके फैमिली काफ़ी बड़े और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर है पिल खाकर इन्होंने अपना लेवल बराबर कर लिया और लेवल बराबर करने के बाद इनकी भी पावर लगभग ये फाइव और जुओ के बराबर यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन तो भी भाई ये सभी मिलकर अटैक करने जाएंगे ना तो भी क्लोन को नहीं हरा पाएंगे। उसके जो सेटर यहाँ पर है हमारे मेकेटर और बाकी बंदों को भी ऑर्डर देता है कि चलो यार तुम ही जाके फाइट करो। वो सभी फाइट करने आगे आते हैं और कहते हैं भाई ग्रेट एम्परर के क्लोन बॉडी के साथ फाइट करने का मौका मिला और ये जिंदगी में क्या ही चाहिए। तो सार के सारे नौ के नौ बंदे ना हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जैसे सारे बंदे हमला करने जाते हैं पब्लिक जो बाकी देख रही थी ना वो भी कहती है ओ माय गॉड एक दो नहीं बल्कि नौ नौ जीनियस ना फाइट करने यहाँ पे जा रहे हैं यार फाइट इतनी तगड़ी भी हो सकती है कि हमने सोच नहीं थी। सब लोग काफी फाइट करते हैं तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये फाइट कहता सुनो यार तुम लोग मिलकर फाइट करो उनको रोकने की कोशिश करो हल्का सा टाइम भाई बस यहाँ पे कर दो। तो सामने सवारे में कट भी कहता क्यों भाई तुम्हारे पास कोई ऐसा कमाल का अटैक है क्या। वो कहता यस सब लोग मिलकर वहां पे फाइट कर रहे थे ये भी ना अपने कोई मैजिकल पावर वही एक्टिवेट यहाँ पे कर रहा था अटैक करने के लिए। हमारा मैं कट भी देखता भाई दुनिया में कमाल कमाल के मैजिक पावर है मैंने भी छह सात यहाँ पे सीख के रखे लेकिन भाई उसमें से इसका मुझे बड़ा तगड़ा यहाँ पे लगता है आई डोंट नो भाई कैसा हमला ये करने को यहाँ पे तैयार है। हाँ तो बहुत बड़ा हमला यहाँ पे तैयार कर लेता है और हमला तैयार करने के बाद बाकी बंदे उससे कहते सुनो मेरी बात यार तुम सब यहाँ पे दूर हटो मुझे ना क्लोन पे हमला करने दो। बाकी सब बंदे कहते लगता हमला तैयार हो गया हटो हटो दूर हटो सारे बंदे दूर यहाँ पे हटते हैं। ये हमला लेता है और क्लोन पे करता है जिससे ऑफकोर्स भाई क्लोन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इतना आसानी से मरेगा नहीं लेकिन क्लोन को चोट लगता है और उसके झटके से जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे और दूर चल जाते हैं। अपने जुओ भी नोटिस कर लेता भाई कितना स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर यार ये और साथ ही में जो फिस्ट का हमला तूने मेरे ऊपर किया था यानी तुझे दो दो कमाल के मैजिक पावर आते हैं। ये भी कहता अभी टाइम नहीं है ये बैठ के डिस्कस करने को एक दूसरे की तारीफ करने का क्लोन पे हमला करके उसको हराने पर ध्यान देते हैं। जो सुंदर जुओ भी कहता यस अटैक करने पे ज्यादा ध्यान देना तो दोनों मिलकर है ना वो ये अपना अटैक यहाँ पे तैयार करते हैं और सामने से यहाँ पे वो क्लोन के ऊपर कर देते हैं लेकिन क्लोन को ज्यादा घंटा असर होता नहीं है। क्लोन यहाँ पे कहता सुनो मेरी बात यार तुमने वो टेक्निक को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया देखे मुझे भी अच्छा लगा लेकिन ये काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। तो अटैक करता जुओ और ये फाइव पे जिससे ये दोनों को ना बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और जैसे चोट यहाँ पे लगती है ना तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे मेक अटैक से बोला जाता है कि भाई तुम तो कुछ करो तुम तो अटैक ही नहीं करे तुम तो बस टाइम पास किए जा रहे हो। ये भी कहता है यार मैं अटैक यहाँ पे करता हूँ तो अपने जो पांचों सौ डेंटेंट का अटैक है ना मतलब पांचों सौ डेंटेंट वो एक्टिवेट करता है हमला करने के लिए। जो देखते पब्लिक जाती है चौकी ओ माय गॉड पांच पांच सौ डेंटेंट यार ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल यहाँ पर है। हुआ भी सोचते यस मुझे पावरफुल लगे भी थे इतने ये जो ये फाइव और साथी में जू है ना लगभग उनके बराबर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे अगर ये साथी में सपोर्ट करेंगे तो चांसेस है ग्रेट एम्परर के क्लोन को हराया जा सकता है। जो जू है ना जू को लगता है कि यार आई डोंट नो कहीं को लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है इसलिए सामने से पूछता बता भाई तू है कौन हमारे
हमारा मैं कटा मना कर देता, भाई तुझे क्या, नहीं बताऊंगा। तो सामने सी ए फाइव भी कहता भाई वो कौन भी रहे और कहीं भी रहे, या तुझे उससे क्या, अभी फाइट करने पे ध्यान देते हैं। जुओ भी कहता है या तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। तो ये तीनों इनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यहाँ पे था ना, वो लेकर गए टेम्परर की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला ना नौ बंदे यहाँ पर है, ये तीनों के अलावा बाकी जो छह बंदे थे ना, वो बाकी छह बंदे भी कहते यस वो तीनों हमला करे, हम क्या बैठ के तमाशा देखे जा रहे, हमको भी हमला करना चाहिए। तो वो लोग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते। तो ग्रेट एम्परर का क्लोन भी नोटिस करता है भी नौ के नौ बंदे मेरे पे एक बार में हमला कर रहे हैं। इनमें से जो तीन है ना, तीन यहाँ पे स्पेशल है, वो जुओ ईएफआई और साथ ही में अपना मेन कटर, बाकी सब छोटे मोटे। तो बाकी जो छोटे मोटे ना उनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो ताकि वो लोग फाइट ही ना कर पाए। तो ये तीनों को छोड़ के जो मेन छह थे ना, उन छह पे हमला करके उनको एलिमिनेट यहाँ पे कर देता है। वो सब भी देखते हैं शीट भाई एक ही अटैक में हमारी बैंड यहाँ पे बच गई, अब हम लोग चाक के भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब जो भी है ना सब कुछ उन तीनों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। तो वो तीनों यानी हमारे तीनों लगे पड़े और मारे जा रहे मारे जा रहे, और लड़ाई वैसे हुए जा रही है। पब्लिक यहाँ पे देखती हो शीट भाई नौ में से छह बंदे तो एक बार में एलिमिनेट हो गए, अब तीन यहाँ पे बचे हुए, तीनों मिलकर के हरा देंगे। अरे यार भगवान से हम दुआ करते कि हरा दे, अगर हरा नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट जिंदा यहाँ पे बच जाए, वही बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। अब वापस से फाइट की ओर यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे फाइट वाइट यहाँ पे चलू थी, और तभी जो ग्रेट टेम्परर यहाँ पर है ना ये फाइट को मार के नीचे गिरा देता है, एलिमिनेट नहीं हुआ है वो अभी भी फाइट कर सकता है। बस समझे ये फाइट को बड़ी चोट यहाँ पे लग चुकी है, हमारा मेक कटर है ना वो फाइट कर रहा था वो टिका हुआ है। तो ग्रेट टेम्परर अभी नोटिस करते हैं यस ये तीनों में ये जो लड़का ना ये लड़का तगड़ा यहाँ पर है, इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुझे मुश्किल यहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे इसको एलिमिनेट यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा मेक कटर कहता है जुओ और ये फाइट मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, उतने में अपने आप को ना हील करने पर ध्यान दो। तो सामने से वो भी कहता है ग्रेट टेम्परर के अच्छा तुमको क्या लगता है तू मुझे रोक देगा ताकि वो लोग हील कर पाएंगे, सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है। तो अपने मेक कटर पे अटैक करने को तैयार है, हमारा मेक कटर भी फाइट करके उसको रोके जा रहा है। पब्लिक यहाँ पे देख के खुश की ओ माय गॉड यार ये लड़के में दम यहाँ पर है, हाँ अभी भी तीनों मिलकर ना अच्छे से अटैक वटैक करेंगे ना चांस यहाँ पर है। तो हमारा मेक कटर काफी देर तक यहाँ पर रोकता है, ये फाइट को अच्छा मौका मिल जाता है, खुद को हील करके आता है और एक बड़ा कमाल का ना सील अटैक करता है जिससे बड़ा सा स्क्वायर शेप का कुछ तैयार होता है। उसी शेप से वो है ना ग्रेट टेम्परर के हाथ पे हमला करता है, जिससे उसका जो एक हाथ है ना एक हाथ वहीं पे कट जाता है। उतने में जुओ पीछे से आता है और कहता है बहुत बढ़िया ये फाइ, अब बाकी का मैं पूरा यहाँ पे करता हूँ। इतना बोल के हमला करके दूसरे हाथ पे ये चोट पहुंचाता है और आई डोंट नो शायद खुद ही या शायद अपने क्लोन को भेजकर जकड़ लेता है ग्रेट टेम्परर के क्लोन को और कहता है यस हमने जकड़ लिया, सुनो यार ओ डुगू फैमिली वाले मार के खत्म कर दो इसको। हमारा मेक कटर देखता है अभी जुओ में दम तो यहाँ पर है, अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे लेता है, चाउस बॉडी की भी पावर एक्टिवेट कर लेता है, जो ग्रेट टेम्परर यहाँ पे नोटिस करता है। चाउस बोलने ही वाला था लेकिन उससे पहले हमारा मेक कटर हमला करके खत्म कर देता है और उसके बाद सोचते कि भाई यार मानना पड़ेगा वो ग्रेट टेम्परर था, ऐसा वैसा बंदा यहाँ पर नहीं था, जैसे मैंने हल्की सी पावर एक्टिवेट की ना वैसे उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन थैंक गॉड कुछ भी बोले उससे पहले मैंने मार डाला जिससे मेरी चाउस बॉडी या फिर मैं शाही हूं बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होगा। जो पब्लिक यहाँ पे थी ना पब्लिक देख के खुश ओ माय गॉड वो लोग यहाँ पे जीत गई है, बहुत बढ़िया मार डाला ग्रेट टेम्परर के क्लोन को। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लाइक का टारगेट मैंने शायद इस मांगा पे अभी तक नहीं दिया, 2000 का टारगेट है पूरा कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।